हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पनीर और आलू पुलाव। तो चलिए पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने ये चावल ले लिए हैं, तो हमने इन्हें गिलास से नापा है, तो ये हमने डेढ़ गिलास चावल ले लिए हैं। तो इनको हम पानी से धोकर और 15-20 मिनट के लिए भिगो देंगे। तो इसको अच्छे से हम धो लेंगे ताकि इसका ये वाइट निकलता है ये साफ़ हो जाए। तो गाइस, हमने पैन ले लिया है और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे इस तरह से। और जो हमने पनीर लिया है पलट पलट कर, इसको हम इस पर इस तरह से और अब इसको हम साइड में रख लेते हैं। और कुकर में हम पुलाव को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम इसमें ऑयल डाल लेंगे। तो इसमें हमने 4 चम्मच ऑयल डाल लिया है। और अब डालेंगे हम इसमें थोड़े खड़े मसाले। तो ऑयल हमारा गरम हो गया है, तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच जीरा। तो ये हम जीरा डाल देंगे इसमें 1 चम्मच, और उसके साथ ही थोड़ा सा हींग। और अब डालेंगे हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले। तो इसमें हमने लिए हैं 2 तेज़पत्ती पत्तियाँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 साबुत लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 4 हमने लौंग ली हैं और 5-6 हमने काली मिर्च ली हैं और 2 ली हैं हमने हरी इलायची। तो ये हमारे मसाले भुन गए हैं। तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे अपनी सब्जी। तो इसमें सबसे पहले हम टमाटर डाल देंगे। तो हमने 2 टमाटर काट लिए हैं। फ्लेम को कम कर देंगे और अपनी सब्जियों को हम भून लेंगे। और ये लिए हमने हरी मटर, इनको भी इसी में डाल देंगे। और लिए हमने ये 2 आलू। तो सब्जियों को हम अच्छे से भून लेंगे पहले इस तरह से। और 2 हमने इसमें हरी मिर्च डाल दी हैं। तो हमारी सब्जी को भूनते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। और इसमें अब डालेंगे हम थोड़े से मसाले। तो इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। और जो चावल हमने अपने भिगोए थे, तो ये चावल भी हम इसमें डाल देंगे। तो हमने इसमें कुकर में चावल भी डाल लिए हैं। तो इनको अच्छे से हम चला लेंगे।
और थोड़ी देर चावल को भी हम इसी तरह से सब्जी के साथ भून देंगे 2 मिनट के लिए, तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और जिस गिलास से हमने चावल को नापा था उसी गिलास से हमें पानी डालना है। तो अब इसमें हम पानी डाल देंगे। हमने 1.5 गिलास चावल लिए थे तो हम इसमें 3 गिलास पानी डालेंगे, यानी जितने हम चावल लेते हैं उससे 2 गुना पानी हम इसमें डाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे हम नमक। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और अब इसको अच्छे से चला देंगे। और कुकर में हम 1 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। तो गाइस हमारा पुलाव तैयार हो रहा है, तो हम चटनी बनाने की तैयारी करते हैं। तो हमने ये टमाटर भून लिए थे, तो हम टमाटर और पुदीने की चटनी बनाएंगे। तो इसको इस तरह से छील लेंगे। और जार में डाल देंगे। भूनने पर इसका छिलका खुद ही अलग हो जाता है टमाटर का, और चटनी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से छील लिए हमने टमाटर, और पुदीना हमने धोकर रखा था। तो इसको भी जार में डाल लेंगे। और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक। और थोड़ा सा हींग। हींग की खुशबू चटनी में बहुत ही अच्छी लगती है। तो थोड़ा सा हींग और नमक डालकर हम इसको पीस लेते हैं। तो गाइस हमारा आलू मटर पनीर का पुलाव बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से कुकर में झटपट बनकर तैयार हो गया है। उसको इस तरह से हम चला लेंगे और अब इसको हम सर्व करेंगे। ये झटपट कुकर में बनकर तैयार हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसमें हमने ज़्यादा मसालों को भी यूज़ नहीं किया है। तो देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो गाइस हमारा आलू मटर और पनीर का पुलाव बनकर तैयार है। और इसको हम थोड़ा सा हरे धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसको गार्निश कर लेंगे। इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और देखने में बहुत सुंदर लगता है। और ये हमने थोड़ी पुदीने की पत्ती ली है। और इसको हमने टमाटर और पुदीने की चटनी बनाई है और थोड़ा दही है। तो इसको हमने
जीरा और गरम मसाला डाला है इसमें भुना हुआ। तो हमारा पुलाव बनकर तैयार है। आप इसे बनाइए, खाइए, आपको कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। और अब मिलते हैं अगली कुकिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।